नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा चार तार वाले जो टेबल फैन होते हैं इसके साथ में कैपेसिटर का और बिजली का दो तार का कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों इसके लिए ना ही आपको मल्टीमीटर का ज़रूरत है और ना ही आपको स्विच बोर्ड का ज़रूरत है। आप ये चार तार को देख कर ही ये कैपेसिटर के साथ में और बिजली का दो तार के साथ में इसका कनेक्शन कर सकते हो। इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा जो टेबल फैन से चार तार निकलता है उसमें से हमारा एक कलर में दो तार देखने को मिलेगा और एक कलर में और दो तार देखने को मिलेगा। जैसे कि इस टेबल फैन में आप लोग देख सकते हैं रेड कलर में दो तार है और येलो कलर में दो तार है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो दो अलग अलग कलर का दो तार ले लेना है। जैसे कि मैंने रेड कलर का एक तार को ले लेता हूँ और येलो कलर का एक तार को ले लेता हूँ, तो इनको मैंने आपस में जोड़ लूंगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा कॉमन वायर बन चुका है। और इसके बाद में ये जो हमारा एक रेड कलर का तार बचा हुआ है और एक येलो कलर का तार बचा हुआ है, इन दोनों तार को हमें क्या करना है, ये जो कैपेसिटर का दो तार है इनके साथ में जोड़ लेना है। तो चलिए मैंने येलो कलर की तार को कैपेसिटर का एक तार के साथ में जोड़ लेता हूँ। इसके बाद में ये जो रेड कलर का तार है इसको मैंने कैपेसिटर का दूसरा तार के साथ में जोड़ लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कैपेसिटर के साथ में कनेक्शन हो चुका है। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, दो अलग कलर की तार को आपको लेके कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है और ये जो दो तार बचते हैं इनको आपको कैपेसिटर के साथ में जोड़ लेना है। और इसके बाद में हमें बिजली का जो दो तार है उसका कनेक्शन करना है। दोस्तों बिजली का जो दो तार होता है उसमें से एक तार आप क्या करिए, ये कॉमन तार के साथ में लगा दीजिए। यानी कि ये जो हमारा अलग कलर का दो तार एक साथ में जुड़े हुए हैं इसके साथ में आप बिजली का एक तार को सबसे पहले जोड़ दीजिए। और उसके बाद में बिजली का जो दूसरा तार होता है इसको आप क्या करिए, ये जो कैपेसिटर का दो तार है इन दोनों में से किसी एक तार के साथ में सबसे पहले लगा दीजिए। और उसके बाद में ये दोनों तार में आप बिजली दे के चेक करिए ये फैन आपका सीधा घूम रहा है या फिर उल्टा घूम रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैंने दोनों तार को कनेक्शन कर लिया हूँ और यहाँ पर मैंने बिजली दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फैन है ये घूम रहा है लेकिन उल्टा घूम रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये भी उल्टा घूम रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सीधा घुमाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो तार हमने कैपेसिटर का ये वाला तार के साथ में जोड़े हैं यहाँ से हटा देंगे और कैपेसिटर का जो दूसरा तार है उसके साथ में लगा देंगे। तो ये फैन अभी हमारा सीधा घूमेगा। तो अगर आपका फैन उल्टा घूमता है तो यही वाला तार को चेंज कर लीजिए, इसको कैपेसिटर का दूसरा वाला तार के साथ में जोड़ दीजिए, ये सही घूमेगा। तो चलिए अभी मैंने इसको लगा लेता हूँ बिजली में और ये देखिए हमारा फैन अभी बिल्कुल सीधा घूम रहा है और बिल्कुल सही घूम रहा है। अभी मैंने इसको स्विच बोर्ड में लगाया हूँ इसलिए यहाँ पर आपको स्विच बल्ब जलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी मैंने इसको डायरेक्ट में लगा लेता हूँ, तो देखिए काफ़ी तेज़ी से ये फैन हमारा घूम रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये फैन के साथ में कैपेसिटर का और बिजली का जो दो तार होता है उसका कनेक्शन कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।